अच्छी बातों में तुम बीच में आ रहे हो, फिर वही बात है, फिर गाली दूंगा, बोले इजाज़ खान गाली देता है। Hey everyone, welcome back to my channel Akashdeep 2.0। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। दरअसल एक बार और मैं फिर से बात करने वाला हूँ एजाज खान के बारे में। तो आपको पता ही है कि राजवीर फिटनेस और एजाज खान की अभी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, और हाल ही में भी इनकी कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हुई है। ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म होने के बाद एजाज खान की दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, जिसमें वो रजत दलाल को पोक करते नजर आ रहे हैं, जिसमें कि एजाज खान कल लाइव आए थे यूट्यूब पर और उनका कमेंट करके रजत दलाल का नाम लिया जा रहा था, जिस पर वो भड़क गए और क्या कुछ कहते नजर आए लाइव वीडियो के अंदर। आइए एक बार इस वीडियो पर नजर डालते हैं। अच्छी बातों में तुम बीच में आ रहे हो, फिर वही बात है, फिर गाली दूंगा, बोले एजाज खान गाली देता है। तुम्हारे चक्कर में उनको गालियां दे देता हूँ मैं, तुम्हारे भगवान लोग को जो जिनको तुम इतना पूज रहे हो, वो रजत दलाल भड़वा चोर कहीं का, जान दो बेटा जान दो। अभी मैं कुछ दूसरी बातें कर रहा हूँ, इधर कमेंट मत करो बे, अनफॉलो करो ना, देखते क्यों मेरे को तुम, जीजा लगता हूँ तुम्हारा, मेरे को बोलते पॉपुलर होने का मेरे को। अबे छूती हो, इंटरनेट चल रहा है, एक ही चीज चल रही है, एजाज खान एजाज खान एजाज खान। वो रोस्ट करने के लिए भी इतना खर्चा कर रहे, इतने लोगों को बुला रहे, दाढ़ी लगवा रहे, बाल बढ़ा रहे, मेरे जैसे कपड़े ढूंढ के ला रहे, उसके बाद बेल्ट ढूंढ के ला रहे, फेक सड़ेले। वो बचपन में नहीं, अपन सलमान खान को देखते थे तो वो कौन सी पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया, तो शादी में वो पीले कलर का सूट बहुत निकला था, मालूम है, सब लोग वो सूट पहन के जाते थे। वैसा इन लोग यूट्यूबर हो गए ले सब, एजाज खान बन बन के ना, मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया, हम आपके है कौन, नहीं वो कपड़े चलते थे सुमन जैसे, ये सारी सुमन है, सारी सुमन बन गई है। अरे अरे माँ आगे आग दिखा नहीं। राजवीर ने बताया DCP CBI करनी सेना, बड़े बड़े संगठन, मराठा संगठन, इतने संगठन सपोर्ट में थे उसके। अब खैर उसको गले लगा लिया है तो अपना भाई बन चुका है, और पठान जब जिसको देता है ना तो हिसाब नहीं करता, और लेता है तो लिहाज नहीं करता है। जब वो दुश्मन था तो दुश्मन था, अभी दोस्त थे तो दोस्त है, तो पठान की दोस्ती और दुश्मनी दोनों कब्रिस्तान तक पहुंचाती है। तो गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हैं एजाज खान की इस नई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।